जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू कल्याणी IAS अकेडमी। इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी एटम। नाउ स्टार्ट द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड। सी, इफ वी ब्रेक डाउन और डिवाइड दिस मार्कर और दिस मैटर, देन वी विल गेट स्मॉल पीसेस ऑफ इट। इफ वी फर्दर डिवाइड इट और ब्रेक डाउन दिस मार्कर और दिस मैटर, देन वी विल गेट फर्दर स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ इट। In this process, there would be situation where we would not be able to further divide it or break down it. In this process, the smallest particle we will get is known as atom, right? So atom is the smallest particle of matter which cannot live in free state, right? जो atom होता है वो free state में नहीं होता है, because atoms form molecules or ions. और यही मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट होते हैं लार्ज नंबर में, एंड यही मैटर को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। फॉर एन एग्जांपल, हमने यहां पर समझ लिया कि ये एक क्या हो जाएगी, आयन रॉड हो जाएगी, राइट? सो दिस आयन रॉड कंसिस्ट ऑफ मैनी क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा, राइट? अब यहां का जो एटम है, राइट, व्हेन दिस आयन रॉड विल कम इन कॉन्टेक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर, तो यहाँ का जो पार्टिकल है, यही पार्टिकल जो है एयर के साथ में या मॉइस्चर के साथ में केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, राइट? तो इस तरीके से इफ वी हैव टू राइट आंसर इन थ्री मार्कर, राइट? एक चीज आप यहाँ पर ध्यान रखें कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमें साइंस में जो भी डेफिनेशंस लिखनी है वो एक्यूरेट लिखनी है, बिकॉज इफ यू विल नॉट राइट द एक्यूरेट डेफिनेशन, देन डेफिनेटली यू विल नॉट गेट द मैक्सिमम मार्क्स। तो हम यहाँ पर एटम को जो है बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं, द स्मॉल पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस और मैटर विच कैनॉट लिव इन फ्री स्टेट एंड विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज नोन एज एटम, राइट? अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू, राइट, The smallest particle of matter or substance which cannot live in or that cannot exist in free state and which takes part in chemical reaction is known as atom, right? अब जो atom है, atom जो है ये, इसको पहले indivisible particle माना जाता था, right? Earlier it was considered that एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर और सब्सटेंस विच इज इंडिविजिबल, बट जो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं और जो फर्दर डिस्कवरीज हुए हैं उनके अकॉर्डिंग एटम जो है फर्दर जो है, एटम में भी क्या होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन हो जाएंगे। अगर मैं आपको शुरू से बताना चाहूँ, राइट, सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो, राइट, इंडियन महर्षि कनाड, राइट, सो इंडियन महर्षि कनाड वॉज द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, राइट? तो जो भारतीय महर्षि कनाड थे, इन्होंने ही सबसे पहले एटम के बारे में बताया था। अब इनकी थ्योरी क्या थी, हम वो समझते हैं, राइट? तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो इंडियन महर्षि कनाड प्रपाउंडेड द थ्योरी ऑफ परमाणु, और अकॉर्डिंग टू महर्षि कनाड, राइट, अकॉर्डिंग टू महर्षि कनाड, इफ ब्रेक डाउन और डिवाइड अ मैटर, राइट, देन वी विल गेट स्मॉल पीसेस ऑफ इट। If we further divide, then we will get smallest particle of this matter. But there would be a situation where we would not be able to further break down or divide a particular matter, right? And that smallest particle is known as परमाणु, right? तो उन्होंने the smallest particle of a matter को ही क्या नाम दिया था, परमाणु नाम दिया था, and the परमाणु theorem बस प्रपाउंडेड बाय महर्षि कनाड, राइट? तो इंडियन महर्षि कनाड ने परमाणु सिद्धांत को या परमाणु थ्योरी को जो प्रपाउंड किया था, और इसी के जो सिमिलर जो फिलॉसफी थी या जो सिमिलर जो आइडिया था वो डेमोक्राइट्स ने भी दिया था, राइट? द ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्राइट्स आल्सो गेव द सेम आइडिया दैट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैनॉट बी divided, so the smallest particle of matter which is indivisible is known as atom. तो उन्होंने इसको atom कहा था, और महर्षि कनाड ने smallest particle of matter को क्या कहा था, परमाणु कहा था, right? तो very simple, Democrats ने smallest particle of matter को
एटम कहा था और एटॉमिक जो थ्योरी थी वो सबसे पहले डेमोक्रेट्स ने दी थी, तो वहीं महर्षि कनाद ने परमाणु सिद्धांत जो है प्रस्तुत किया था, राइट। फॉर देन इन 1804 जॉन डाल्टन कंसीडर द इंडिविजिबल एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर टू वी क्या हो जाएगा एटम एंड प्रेजेंटेड एटॉमिक थ्योरी, राइट। तो जो जॉन डाल्टन थे, जॉन डाल्टन ने फर्दर इस पर जो है स्टडी की थी एंड जॉन डाल्टन ने ही द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ अ मैटर को क्या कहा था एटम कहा था एंड 1804 में जॉन डाल्टन ने ही एटॉमिक थ्योरी दी थी जिसको हम आगे पढ़ेंगे, राइट। नाउ वी आर स्टडिंग फॉर मेंस, सो इट इज नेसेसरी वी शुड कम टू नो what would be asked in 3-marker and what would be asked in 5-marker question, right? So if 3-marker question is asked define atom, तो हमें यहाँ पर ये जो definition लिख देनी है, but if question is asked as a 5-marker question define the atom and its characteristics, तो हमें यहाँ पर पूरा उत्तर लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले definition I have told you the smallest particle of matter, right? The smallest particle of matter or substance which cannot exist in free state and which takes part in chemical reaction is known as atom, kyunki present time mein atom is not indivisible, right? There are electron, protons and neutrons which are subatomic particles of atom, right? Atom jo hai, atom is the creative unit of matter, right? In the same way जैसे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, राइट, वो सेल से बने हुए हैं, राइट। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो क्रिएटिव यूनिट है वो क्या होती है, सेल होती है। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी हुई है। इन द सेम वे जो मैटर है, चाहे वो मार्कर हो, रिमोट हो या कोई भी दूसरा पदार्थ हो, राइट, मैटर इज कंसिस्ट ऑफ एटम, राइट। सो एटम इज द क्रिएटिव यूनिट ऑफ मैटर हो जाएगा। वहीं राइट ऑल एटम्स ऑफ The element are same. For an example, अगर हम यहाँ पर बात करें किसकी, जैसे सोडियम की, राइट, तो जो सोडियम के जितने भी एटम हैं वो क्या होंगे, समान होंगे। तो all atoms of an element are same, but atoms of different element, for an example, atoms of sodium and atoms of oxygen would be different, right? तो जो different element है, right? जो different element है उनके एटम डिफरेंट होंगे, परंतु जो भी एलिमेंट है उसके सभी जो एटम होंगे वो क्या होंगे, समान होंगे, राइट। सो एटम इज द क्रिएटिव यूनिट ऑफ मैटर बिकॉज एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स और आयंस एंड दीज मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर एंड फॉर्म मैटर, राइट। सो इन दिस वे एटम इज द क्रिएटिव यूनिट ऑफ मैटर, राइट। एंड आई हैव टोल्ड यू कि शुरुआत में, अर्लियर में महर्षि कनाड ने ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर को परमाणु कहा था, तो डेमोक्रेट्स ने, राइट, डेमोक्रेट्स ने स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहा था, एटम, एटम कहा था, राइट। और इसी को फिर फर्दर जो है जॉन डाल्टन ने और भी बेहतर तरीके से प्रपाउंड किया था, और 1804 में जॉन डाल्टन ने स्मॉलेस्ट एंड फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर को एटम कहा था एंड प्रेजेंटेड द एटॉमिक थ्योरी, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, राइट। तो जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी है सबसे पहले हम उसको पढ़ते हैं, राइट। सीधी सीधी पूछी जा सकती है 3-marker या 5-marker क्वेश्चन में, राइट। सो जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, सो नाउ व्हाट इज द एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन, तो पहला तो यही हो जाएगा कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स, राइट। सो मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स, राइट। और ये जो एटम होते हैं, राइट, एटम इज द इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, राइट, जिसको किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, राइट। तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, राइट। इन फर्दर अगर हम देखें तो ये जो जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी इसके अनुसार क्या था कि कोई भी एक एलिमेंट के सभी एटम समान होते हैं, वहीं जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं उनके एटम क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, राइट। और
इसी तरीके से अगर हम देखें तो जो एटम होते हैं राइट, वो कंपाउंड में क्या होते हैं, उनका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड होता है राइट। तो ये क्या हो जाएगी, जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी हो जाएगी। तो जॉन डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी अगर 5 नंबर में पूछी जाए तो ये 5 चीजें आपको हमेशा याद रखना है। सबसे पहला क्या हो जाएगा, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर नोन एज एटम्स हो जाएगा। दूसरी चीज क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर राइट, विच इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड राइट, ऑल एटम्स ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट आर सेम बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज राइट। और जो एटम है वही मॉलिक्यूल को और आयन को फॉर्म करते हैं और उससे ही मैटर का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है राइट। जॉन डाल्टन ने ये जो सिद्धांत था इसको 1804 में क्या किया था, प्रपाउंड किया था राइट। तो जॉन डाल्टन प्रेजेंटेड द एटॉमिक थ्योरी इन 1804 राइट, 1804 विच वाज फुली एक्सेप्टेड बाय द एंड ऑफ 19th century, क्योंकि बिफोर द 19th century उतने एक्सपेरिमेंट और डिस्कवरीज नहीं हुई थी। बट जो करंट रिसर्च है और जो वेरियस एक्सपेरिमेंट है राइट, उनके अकॉर्डिंग जो एटम है, एटम कैन बी फर्दर डिवाइडेड इन सब एटॉमिक पार्टिकल राइट। सो इट वाज कंसीडर्ड टू बी मेड अप ऑफ अदर पार्टिकल्स, फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन्स हो जाएगा राइट। तो अगर हम देखें तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो जॉन डाल्टन ने जो सिद्धांत दिया था उसके अनुसार जो एटम हो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच इज इनडिविजिबल, परंतु जो लेटर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट है, डिस्कवरीज है, उनके अकॉर्डिंग इस जो एटम है राइट, एटम मे बी फर्दर डिवाइडेड और ब्रेक डाउन राइट, और एटम जो है वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ होता है। इस वजह से अगर हम देखें तो प्रेजेंट में जो रिलेवेंस है वो कम हुआ है, बट जो जॉन डाल्टन की थ्योरी है वो आज भी इंपॉर्टेंट है। क्यों राइट, जैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ जॉन डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, तो दो जो है इंपॉर्टेंट जो है, दो इंपॉर्टेंस को हम यहां पर जो है बता सकते हैं। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी वाज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो कॉम्बिनेशन होता है राइट, उसके आधार पर ही यह थ्योरी दी गई थी। सेकेंड, दिस थ्योरी गेव रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रेशियो, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट रेशियो का जो रेशनल एक्सप्लेनेशन है वो इस थ्योरी के द्वारा दिया गया है। दैट्स वाई डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी इज स्टिल इंपॉर्टेंट राइट। नाउ वी विल स्टडी मॉलिक्यूल राइट, तो मॉलिक्यूल क्या होता है उसको समझते हैं। देखिए, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली राइट, इंडिपेंडेंटली एंड विच एग्जिबिट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एंड क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। देखिए, जो एटम होता है राइट, एटम से ही मिलकर किसका, मॉलिक्यूल का क्या होता है, निर्माण होता है। अगर यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछा जाए और इन दोनों की जो डेफिनेशन है वो दोनों ही क्या हो जाएंगी, अलग हो जाएंगी राइट। मॉलिक्यूल जो है, मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, वहीं जो एटम होता है, एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली राइट। सेकेंड क्या होता है कि जो भी कंपाउंड होता है या एलिमेंट होता है उसकी जो सभी प्रॉपर्टीज हैं वो मॉलिक्यूल के द्वारा ही क्या की जाती हैं, प्रदर्शित की जाती हैं। तो इस तरीके से दोनों की डेफिनेशन में क्या है, अंतर है राइट। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैनॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट और विच कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड विच टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। वही मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और स्पेशली कंपाउंड राइट।
विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली राइट एंड विच एग्जिस्ट ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट एलिमेंट, और क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा राइट. यहां पर अगर हम देखें तो जनरली अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स राइट, और जो दो या दो से अधिक एटम होते हैं वो केमिकली बॉन्ड के द्वारा ही क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गली जो है जुड़े हुए होते हैं, और उसी से क्या होता है, मॉलिक्यूल बनता है. तो बिकॉज ऑफ केमिकल बॉन्ड्स और स्ट्रॉन्गली जो म्यूचुअल अट्रैक्शन होता है, तो म्यूचुअल अट्रैक्शन या केमिकली बॉन्ड की वजह से ही दो या दो से अधिक जो एटम है उनसे ही मॉलिक्यूल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. नाउ वी विल सी द एग्जांपल्स ऑफ मॉलिक्यूल राइट. मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, और मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा. अब इन द फर्स्ट लेक्चर वी हैव स्टडीड एलिमेंट, एलिमेंट को भी पढ़ चुके हम और कंपाउंड को भी पढ़ चुके राइट. तो एलिमेंट जो होता है, एलिमेंट प्योर सब्सटेंस का वह रूप होता है जिसको फर्दर स्मॉल पार्टिकल में स्प्लिट नहीं किया जा सकता है. वहीं जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड राइट, कंपाउंड जो है दो या दो से अधिक एलिमेंट के एक फिक्स प्रपोर्शन में केमिकली कंबाइन होने से ही क्या होता है, कंपाउंड बनता है. इसलिए इन दोनों के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अंतर होता है. सबसे पहले हम यहां पर मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं राइट. तो देखिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, एटम्स हो जाएगा. कोई भी क्या हो जाएगा, कोई भी हम यहां पर एलिमेंट लेते हैं राइट. जैसे ये हाइड्रोजन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा राइट, या फिर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा राइट. तो कोई भी एलिमेंट है राइट, किसी भी एलिमेंट के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो एक समान टाइप के एटम से ही मिलकर बने हुए होते हैं राइट. जबकि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड. ये आप यहां पर याद रखना कि कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं राइट, वो एक से अधिक एटम से मिलकर बने हुए होते हैं राइट. तो यहां पर अगर हम देखें, एलिमेंट का जो मॉलिक्यूल होता है वो एक जैसे एटम से मिलकर क्या होता है, बना हुआ होता है. वहीं जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है वो दो या दो से अधिक टाइप के एटम से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि फिक्स्ड रेशियो में केमिकल बॉन्ड के द्वारा बंधे हुए होते हैं राइट. तो यहां पर हाइड्रोजन के एटम भी है और ऑक्सीजन का एटम भी है, जिससे कंपाउंड का एक मॉलिक्यूल बना है. जबकि एलिमेंट के जो जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं वो एक समान एटम से ही मिलकर बने हुए होते हैं. ये पहला डिफरेंस हो गया राइट. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा. और इसमें से भी कई एलिमेंट तो ऐसे होते हैं जो एक ही एटम से जिनका क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है बना हुआ होता है राइट. तो यहां पर अगर हम बात करते हैं राइट, तो मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ क्या हो जाएगा, सेम एलिमेंट हो जाएगा राइट. जैसे क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा राइट, ये सोडियम हो जाएगा ठीक है. फिर क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा. तो एल्यूमिनियम का जो मॉलिक्यूल है, एल्यूमिनियम का एटम भी यही होता है और मॉलिक्यूल भी यही होता है. सोडियम का एटम भी यही होता है, मॉलिक्यूल भी क्या होता है, यही होता है. परंतु अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, H2 की राइट, तो जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट का एटम क्या हो जाएगा, H, परंतु मॉलिक्यूल जो है वो किससे बना हुआ है, तो हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल दो एटम से मिलकर बना हुआ होता है. वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो दो हाइड्रोजन के एटम से क्या होता है, मिलकर बना हुआ होता है. परंतु अगर जैसे हम बात करते हैं कार्बन, तो कार्बन का यही एटम होगा, यही मॉलिक्यूल है राइट. सोडियम है, सोडियम का यही एटम है, यही मॉलिक्यूल है. एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, यही एटम है, यही मॉलिक्यूल है राइट. परंतु अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का ये क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा. और हाइड्रोजन का ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा. ऑक्सीजन का ये एटम है, और जब हाइड्रोजन के दो एटम आपस में कंबाइन होंगे तो उससे ऑक्सीजन गैस का क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा. क्लियर राइट.
तो यहां पर जैसे मैंने दिया है एग्जांपल आर्गन, तो आर्गन का यही क्या है, एटम है, और आर्गन का यही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा। हीलियम का भी यही क्या है, एटम है, और चूंकि हीलियम का मॉलिक्यूल भी एक ही एटम से मिलकर बना हुआ होता है, परंतु मैक्सिमम जो एलिमेंट होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मोर देन टू या मोर देन वन, और मोर देन टू जो एटम होते हैं उनसे मिलकर बने हुए होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड की, तो कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने आपको अभी बताई थी। चूंकि कंपाउंड में एलिमेंट्स जो हैं फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइंड होते हैं, इसीलिए जो कंपाउंड होता है, कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल होता है वो डिफरेंट एटम से मिलकर बना हुआ होता है। जैसे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का ये क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा, राइट। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के दो एटम है, ऑक्सीजन का एक एटम है, क्लियर हुआ। वैसे क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा, NH4। तो एक क्या हो जाएगा, यहां पर नाइट्रोजन का एटम है और इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम है, चार है, इनसे मिलकर ही जो है अमोनिया का क्या बनता है, एक मॉलिक्यूल बनता है। अब जैसे अगर मैं आपको यहां पर लिखूं कि मैंने यहां पर लिख दिया 2H2O, यहां पर लिख देता हूं, जैसे मैंने लिख दिया यहां पर 3H2O लिख दिया मैंने, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन, या हम कहें कि वाटर के यहां पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तीन मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि यहां पर 3H2O मतलब यहां पर वाटर के तीन मॉलिक्यूल्स हैं, और वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, H2O। अब वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो H2O है, और वाटर के मॉलिक्यूल में अगर हम एटम देखें तो हाइड्रोजन के दो एटम है और ऑक्सीजन का क्या है, एक एटम है। तो इस तरीके से हमने यहां पर मॉलिक्यूल को और एटम को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है, राइट। अब हम यहां पर किसको पढ़ेंगे, यहां पर आयन को पढ़ेंगे। आयन की डेफिनेशन क्या होती है, अ चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम ऑन विच नेट चार्ज एग्जिस्ट इज नोन एज या इज कॉल्ड एज आयन, राइट। तो जिस एटम पर नेट चार्ज एग्जिस्ट होता है, राइट, अ चार्ज एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स ऑन विच अ नेट चार्ज एग्जिस्ट इज नोन एज आयन, राइट। ठीक है, तो देखिए जब कभी भी कोई भी एटम, राइट, इलेक्ट्रॉन को अगर देता है, जैसे इलेक्ट्रॉन को देता है तो उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, और यदि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, राइट। इस तरीके से देखें तो आयन्स दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, कैसन हो जाएगा। व्हेन एन आयन हैज अ पॉजिटिव चार्ज, राइट, व्हेन एन आयन हैज अ पॉजिटिव चार्ज इट इज कॉल्ड अ कैसन, राइट। और ये कैसे बनता है, जब कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, गिव अप कर देता है, त्याग देता है, तब जाकर पॉजिटिव आयन आता है, राइट। जैसे अगर हम देखें कि तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट, पोटेशियम, तो जब पोटेशियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा तो उससे क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आयन आ जाएगा। तो व्हेन एन आयन हैज पॉजिटिव चार्ज तो उसको ही हम क्या कहेंगे, कैसन कहेंगे। और पॉजिटिव आयन कैसे बनता है, जब कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है तो उससे क्या होता है, पॉजिटिव जो है चार्ज आ जाता है और कैसन का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड एनायन हो जाएगा। व्हेन एन आयन हैज नेगेटिव चार्ज इज नोन एज एनायन, राइट। और जब कोई भी, राइट, जब कोई एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, क्लियर। जैसे ये हो जाएगा SO4, राइट, माइनस माइनस, अगर ये दो इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, ग्रहण कर ले, तो ये क्या हो जाएगा यहां पर, ठीक है। तो कुल मिलाकर जब कोई भी पार्टिकल दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गिव अप करेगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसको ही कैसन कहते हैं। जब कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको ही क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं, राइट।
अब हम यहां पर सब एटॉमिक जो है पार्टिकल्स को यहां पर समझेंगे, राइट। तो हमने जैसा कि पढ़ा है, वी हैव स्टडीड दैट इन 1804 जॉन डाल्टन प्रोपाउंडेड हिज एटॉमिक थ्योरी, एंड अकॉर्डिंग टू एटॉमिक थ्योरी ऑफ जॉन डाल्टन, राइट, एटम द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एटम विच इज इनडिविजिबल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इज इनडिविजिबल इज एटम, राइट, एंड दिस थ्योरी हैज बीन प्रोपाउंडेड बाय जॉन डाल्टन। बट जो फर्दर एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं उनके आधार पर एटम को और फर्दर सब एटोमिक, राइट, जो सब एटोमिक पार्टिकल्स हैं उनमें जो है उसका ब्रेकडाउन पॉसिबल है। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इनको पढ़ते हैं, राइट, और ये भी 5 नंबर में जो है पूछे जा सकते हैं। व्हाट आर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, राइट, डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो हम यहां पर सबसे शुरू में समझते हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, या 3 मार्कर में पूछ लिया जाए, राइट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो हमें 3 को लिखना है, राइट। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, राइट। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंसीडर्ड फंडामेंटल और बेसिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, और इन्हें ही क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, राइट। अब हम यहां पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो है डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहां पर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, राइट। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन, किसके द्वारा, जे जे थॉमसन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था, किसके माध्यम से, कैथेड रो ट्यूब एक्सपेरिमेंट था, राइट। तो एक कैथेड रूप जो एक्सपेरिमेंट था, जैसे हमने यहां पर ले लिया, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सीआरटी एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, इलेक्ट्रॉन है, राइट, द इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन वाज अ कैथेड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। अब जैसे ये क्या हो जाएगा, कैथेड रे ट्यूब हो जाएगा, राइट, जिसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े पैमाने पर किया गया था, राइट, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, चाहे जैसे कंप्यूटर हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो, उसमें सीआरटी कैथेड रे ट्यूब का जो है प्रयोग किया जाता था, राइट। तो जे जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल, राइट, जो नेगेटिवली चार्ज, क्या है, कैथोड है, ये क्या हो जाएगा, कैथोड, राइट। तो नेगेटिवली चार्ज कैथोड से, राइट, पॉजिटिवली चार्ज्ड जो एनोड है उसकी ओर कुछ पार्टिकल क्या हो रहे थे, मूव हो रहे थे, और इन्हीं पार्टिकल्स को क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया, राइट। तो जे जे थॉमसन ने जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज कैथोड से पॉजिटिवली चार्ज एनोड की ओर जो है मूव कर रहे थे, उन्हीं सब एटॉमिक या उसी सब एटॉमिक पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन का नाम जो है जे जे थॉमसन के द्वारा दिया गया, राइट। जो इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। द इलेक्ट्रॉन हैज अ चार्ज ऑफ माइनस का 1.6022 × 10⁻¹⁹ माइनस का 19 क्या हो जाएगा, कूलम हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस का 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम का क्या होता है, चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1094 × 10⁻³¹ क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, राइट। तो यहां पर आपको 4 चीजें याद रखनी है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बाज डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉमसन, राइट, इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड थ्रू कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, राइट। तीसरी चीज, इलेक्ट्रॉन जो है उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कितना, माइनस का 1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम, इसका वेट इतना होता है। और सबसे 5वीं महत्वपूर्ण बात, ये एटम में कहां होता है,
तो ये एटम में न्यूक्लियस के चारों ओर जो ऑर्बिट्स होती हैं उसमें ये क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द एटम। उसके बाद में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, राइट। तो देखिए यहां पर जो प्रोटॉन है उसका जो डिस्कवरी है वो रदरफोर्ड ने की थी, राइट। तो रदरफोर्ड इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरिंग ऑफ प्रोटॉन। तो रदरफोर्ड को क्रेडिट दिया जाता है प्रोटॉन की खोज के लिए, परंतु जो आइडिया था वो सबसे पहले किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने दिया था, राइट। किसने, गोल्डस्टीन ने। क्या कहा था गोल्डस्टीन ने, देखिए जे जे थॉमसन ने कहा था कि एक एटम में एक नेगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल होता है जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो गोल्डस्टीन ने यह कहा था कि इफ एटम इज न्यूट्रल, यदि एटम न्यूट्रल है और एटम में यदि नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है तो जाहिर सी बात है उसी एटम में उस उतनी ही पॉजिटिव चार्ज का क्या होना चाहिए, एक और पार्टिकल होना चाहिए, राइट। तो गोल्डस्टीन सजेस्टेड दैट इफ एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल देन देयर मस्ट बी अनदर पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल विद द सेम चार्ज एज द इलेक्ट्रॉन। और इन्होंने, गोल्डस्टीन ने इसको सजेस्ट किया था। फर्दर जो एक्सपेरिमेंट थे वो रदरफोर्ड के द्वारा किए गए थे, देयरफॉर रदरफोर्ड इज कंसीडर्ड, और रदरफोर्ड इज क्रेडिटेड विद द डिस्कवरी ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। तो जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन एटम में, राइट, प्रोटॉन एटम का पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिस पर चार्ज कितना होता है, 1+1.6022 × 10⁻¹⁹ कूलम, और इसका वेट कितना होता है, 1.67 × 10⁻²⁷ किलोग्राम, और ये कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है, राइट। जैसे अगर मैं ये बताऊँ, जैसे ये क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। अब आपको पता है कि जॉन डाल्टन, राइट, जॉन डाल्टन ने किसकी खोज की थी, एटम की खोज की थी, राइट। फिर इस एटम में जो बाहर ऑर्बिट्स होते हैं उसमें ही क्या है, इलेक्ट्रॉन चार्ज लगाते हैं या इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे जे थॉमसन ने की थी, राइट। और फिर इसके अंदर ही जो पॉजिटिव पार्टिकल्स होते हैं, राइट, उनको ही क्या कहता है, प्रोटॉन कहा जाता है। तो ये क्या हो जाएंगे, प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने, राइट, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने ही जो है नाभिक की भी खोज की थी, राइट। अब हम आगे चलते हैं यहां पर। अच्छा, आखिरी की जो चीज थी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के बाहर जो ऑर्बिट्स होते हैं उनमें रिवॉल्व करते हैं, वहीं जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। फिर अगला क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो द न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932 बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम मेटल, राइट। तो जब जेम्स चैडविक ने बेरिलियम मेटल पर, राइट, अल्फा पार्टिकल्स की बमवार्डिंग की थी तब जाकर जो है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, राइट। तो न्यूट्रॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932 बाय एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन बेरिलियम मेटल। और जो न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होता है, न्यूट्रल होता है, अर्थात उस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, राइट। साथ ही साथ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द मास ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा, और ये भी कहां पर, न्यूक्लियस में ही जो है उपस्थित होता है। तो इस तरीके से ये एक क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा, जिसकी डिस्कवरी की गई थी जॉन डाल्टन के द्वारा। फिर इसके अंदर जो है नाभिक होता है, राइट, और नाभिक के बाहर जो भी ऑर्बिट्स होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर, राइट। तो कैथोड रे ट्यूब में जॉन डाल्टन ने बताया कि कुछ कैथोड से एनोड की ओर पार्टिकल मूव करते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उनको जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया था, जो कि नाभिक के बाहर ऑर्बिट्स में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। फिर रदरफोर्ड ने बताया कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है उतने ही चार्ज वाला
पॉजिटिव चार्ज वाला एक और पार्टिकल होता है जिसको क्या नाम दिया, प्रोटॉन। फिर जेम्स चैडविक ने कहा कि लगभग लगभग इतनी ही मास का एक और पार्टिकल जो है किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है, जो कि जो है इलेक्ट्रिकली कैसा होता है, न्यूट्रल होता है और उस पर जीरो चार्ज जो है अवेलेबल होता है। इसको ही क्या कहा गया था, न्यूट्रॉन कहा गया था, राइट। अब अगर हम देखें तो यहां पर ये तो हो गए। अब इनसे रिलेटेड जो हमने यहां पर इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ लिया है, प्रोटॉन के बारे में पढ़ लिया, न्यूट्रॉन के बारे में पढ़ लिया, इनसे रिलेटेड जो कुछ महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट हैं उनको भी समझते हैं, जहां से मेंस एग्जाम में 3 मार्कर क्वेश्चन और 5 मार्कर क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं, राइट। वन थिंग इज क्लियर, राइट, जो प्रीवियस ईयर का एग्जाम हुआ था 2021 का, राइट, तो उसमें केमिस्ट्री से जो क्वेश्चन आए हैं उससे हमें स्पष्ट जो है पता चलता है कि क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके के पूछे जा सकते हैं, राइट। यू थिंक दैट कि नॉर्मली जो डेफिनेशंस हैं वही पूछी जाएंगी, राइट, आप किसी भी टॉपिक की डेफिनेशंस पढ़ लेंगे या उसके जो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो पढ़ लेंगे, तो इससे अब काम नहीं चलेगा, राइट। यू हैव टू स्टडी इन डिटेल एंड इन डेप्थ। नाउ अंडरस्टैंड एटोमिक नंबर। तो एटोमिक नंबर क्या होता है, सी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटोमिक नंबर, राइट। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं उनकी संख्या को ही क्या कहा जाता है, एटॉमिक नंबर कहा जाता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को जेड से क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। तो एटॉमिक नंबर जिसको जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एक चीज और आप याद रखें, हमने अभी समझा था कि चूंकि एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है, राइट। क्यों न्यूट्रल होता है, क्योंकि अगर एटम में जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, और उतना ही चार्ज वाला जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। अगर ये दोनों की नंबर इक्वल रहेंगे तभी तो न्यूट्रल क्या होगा, तभी तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल होगा। इसलिए हमेशा ध्यान रखें आप कि नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ द प्रोटॉन्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, राइट। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड द एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एटॉमिक नंबर बराबर क्या हुआ, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, 7N14 हो जाएगा, तो यहां पर ये जो है, जैसे इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, ये हो जाएगा जेड, राइट, जेड एक्स, तो यहां पर ये जेड है, राइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर नाइट्रोजन में प्रोटॉन की संख्या भी 7 है और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 7। नेक्स्ट हो जाएगा मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। यहां पर आप याद रखें न्यूक्लियॉन्स क्या होता है, राइट, न्यूक्लियॉन्स, राइट, तो द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज कॉल्ड एट्स जो है मास नंबर, राइट। अब जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, तो देखिए किसी भी एटम में जो प्रोटॉन्स की संख्या और जो न्यूट्रॉन्स की संख्या होती है उसको ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन कहा जाता है, राइट, जिसको शायद हमने ये टॉपिक को भी छूट गया था, तो इसको मैं आपको बता देता हूँ, राइट। तो न्यूक्लियस ऑफ द क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा, न्यूक्लियस ऑफ द एटम। देखिए इन ईच एटम ऑल इट्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन अ वेरी डेंस एंड स्मॉल रीजन विच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। तो एटम का जो डेंस एरिया होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं उसको ही क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। और न्यूक्लियस की जो खोज थी वो किसके द्वारा की गई थी, रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी थ्रू स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, राइट। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन्स एवं प्रोटॉन्स जो कि न्यूक्लियस में उपस्थित होते हैं उनकी संख्या को ही कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स कहा जाता है। तो द बेसिक पार्टिकल्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स, राइट। तो न्यूक्लियॉन्स की संख्या को ही क्या कहा जाता है, मास नंबर कहा जाता है। तो द नंबर ऑफ
न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम इज नोन एज मास नंबर, राइट। और हमें पता है कि जो न्यूक्लियॉन्स है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं उसके एडिशन को ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो इस तरीके से हम सीधा सीधा कह सकते हैं मास नंबर जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो सीधी सी बात है, अभी मैंने बताया था कि जो एटॉमिक नंबर होता है जेड, जेड इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, या फिर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोटॉन। और यहां पर एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस का क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ क्या हो जाएगा, न्यूट्रॉन और हो जाएगा, राइट। जैसे उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, यहां पर N7N14, तो इसमें जो है मास नंबर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो नाइट्रोजन है इसमें, राइट, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर 7 है और मास नंबर कितना है, 14 है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसमें नाइट्रोजन में जो प्रोटॉन की संख्या है प्लस का न्यूट्रॉन की संख्या वो कितनी है, 14 है। चूंकि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, तो इसका मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 7 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होगी, 7 होगी, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको किसी भी एलिमेंट का यदि न्यूट्रॉन नंबर ज्ञात करना हो तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, राइट। तो यहां पर यह समझ में आ जाएगा। चलिए अब हमने यहां पर जो है, हमने यहां पर बहुत ही अच्छे से एटॉमिक नंबर, राइट, और मास नंबर दोनों के बारे में पढ़ लिया है। अब हम यहां पर जो है आइसोटोप के बारे में पढ़ेंगे। तो आइसोटोप क्या होते हैं, देखिए, एटम ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, राइट, विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो एटम ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स हो जाएगा। अब सेम एटॉमिक नंबर कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, परंतु अगर न्यूट्रॉन की संख्या अलग होगी तो उससे क्या होगा, मास नंबर चेंज हो जाएगा, राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें तो जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी एलिमेंट की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन पर। और चूंकि आइसोटोप्स में सेम एटॉमिक नंबर होता है, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या समान होती है, इसीलिए जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती हैं, समान होती हैं। जो आइसोटोप्स होते हैं उनका डेली हमारी जो लाइफ होती है उसमें कई यूजेस होते हैं, तो हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स भी पढ़ते हैं, ये भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो एप्लीकेशन या यूजेस ऑफ आइसोटोप, उदाहरण के लिए क्या हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा यहाँ पर। तो यूरेनियम आइसोटोप इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर फर्नेस और न्यूक्लियर प्लांट। तो न्यूक्लियर प्लांट में या न्यूक्लियर फर्नेस में जो न्यूक्लियर भट्टी होती है उसमें फ्यूल के तौर पर यूरेनियम के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट आइसोटोप का प्रयोग जो है कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। आयोडीन के आइसोटोप का प्रयोग गाइटर के ट्रीटमेंट में किया जाता है। तो वहीं सोडियम आइसोटोप का प्रयोग जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करने में किया जाता है। तो क्रोमियम का जो आइसोटोप होता है उसको ब्लड जो टेस्ट है उसमें जो है किसका प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम के आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है, राइट। अब हम यहां पर पढ़ते हैं आइसोबार्स के बारे में, राइट। तो एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर, राइट, विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड एज आइसोबार्स, राइट। सो एटम ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम एटॉमिक नंबर, अगर एटॉमिक नंबर सेम होगा तो वो क्या होगा, आइसोटोप होगा। और यदि सेम मास नंबर है, राइट, तो एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें यहां पर, तो नाइट्रोजन एंड कार्बन,
देखिए नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 है और कार्बन का भी एटॉमिक मास यहाँ पर कितना है 14 है, तो चूंकि इनका मास नंबर क्या है सेम है इसीलिए आइसोबार्स होंगे, राइट। फिर सोडियम राइट 11 Na 14 और यहाँ पर 12 Mg 14, तो यहाँ पर भी जो है सोडियम मैग्नीशियम का मास नंबर समान है, तो यहाँ पर ये भी क्या होंगे आइसोबार्स होंगे, राइट। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर आइसोटोन्स, तो एटम ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर बट हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसको ही क्या कहा जाता है आइसोटोन्स कहा जाता है। तो द एटम ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर नोन एज आइसोटोन्स। फॉर एन एग्जाम्पल क्या हो जाएगा यहाँ पर 6C14 और N7 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए इसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी इसमें कितने होंगे 6, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, मतलब प्रोटॉन भी कितने होगा 6। अब 6 अगर इलेक्ट्रॉन है 6 प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 6 और 8, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी इसमें 8। वहीं 7N15 तो यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर 7 है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 है, इतने ही संख्या में क्या होंगे प्रोटॉन होंगे, एटम जो मास नंबर है वो 15 है, तो यदि 7 इसमें प्रोटॉन है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे 8 होंगे, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या क्या है समान है, देयरफॉर ये दोनों क्या कहलाएंगे आइसोटोन्स कहलाएंगे। नाउ क्या हो जाएगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक, राइट। आयंस दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, राइट। तो आयंस दैट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें यहां पर तो N पॉजिटिव आयन, मैग्नीशियम पॉजिटिव पॉजिटिव आयन, फ्लोरीन नेगेटिव आयन, तो यहां पर आपको पता होगा कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 12 होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 9 होता है। दूसरी चीज आयन कैसे बनते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि यदि कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गिव अप करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर क्या आता है नेगेटिव चार्ज आता है। इस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है छोड़ दिया है, राइट। एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया गिव अप कर दिया है, इसीलिए इसके पास में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है 10 है, इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है 12 है, इसका मतलब इसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, 12 क्या है प्रोटॉन है। इसके ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने दो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर दिया है गिव अप कर दिया, मतलब इसके दो इलेक्ट्रॉन जो है जा चुके हैं, तो 12 में से दो गए, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची 10। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 9 है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसमें एक जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐड हुआ है, तो 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। तो ये तीनों जो हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक के क्या हो जाएंगे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, क्लियर। चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं एटॉमिक मास। वन थिंग आई वुड लाइक टू क्लियर हियर कि जो मास नंबर होता है और एटॉमिक मास होता है उसमें अंतर होता है, राइट। मास नंबर अब वहीं हम पढ़ चुके हैं, मास नंबर क्या होता है राइट, तो जो मास नंबर होता है जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस का नंबर ऑफ क्या हो जाएगा न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की संख्या किसी भी एटम राइट तो किसी भी एटम में उसके जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या हुआ कि जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होती है उसको ही उसका क्या कहते हैं मास नंबर कहते हैं, परंतु एटॉमिक मास क्या होता है अलग होता है। अगर हम देखें एटॉमिक मास क्या होता है, द मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, तो किसी भी एटम का जो मास होता है उसको ही एटॉमिक मास कहते हैं, और एटॉमिक मास का जो मेजरमेंट है वो AMU एटॉमिक मास यूनिट और म्यू से जो है इसको
मेजर किया जाता है। अब यहां पर एक म्यू की वैल्यू क्या होती है, तो वो आप याद रखें कि 1/12, राइट, 1/12 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम इज टेकन एज 1 म्यू। मतलब जो कार्बन 12 आइसोटोप है, क्या है, कार्बन 12 आइसोटोप के एक एटम का 1/12 भाग का जितना भी मास होता है उसको ही क्या कहा जाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। क्लियर, 1/12 ऑफ द एटॉमिक मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम इज टेकन एज 1 एटॉमिक मास यूनिट। बाकी के जो जितने भी एलिमेंट होते हैं उनका जो रिलेटिव मास है वो इसी 1A के तहत 1 एटॉमिक मास यूनिट के द्वारा ही मापा जाता है। तो 1AMU इक्वल्स टू कितना होता है, 1.66054 10^-24 ग्राम। अब हम समझते हैं मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट क्या होता है, जैसे हमने कहा कि 1 ग्राम कोई भी एलिमेंट, तो उस 1 ग्राम एलिमेंट में कितने कंपोनेंट्स अवेलेबल है या उसके कितने कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, उसकी संकल उसकी जो संख्या होती है उसको ही क्या कहा जाता है, मोल कंसेप्ट कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, राइट, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एज पार्टिकल्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो एज मैनी पार्टिकल एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ अ कार्बन 12 क्या हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा, राइट। अब देखिए, जैसे मैंने कहा कि 1 ग्राम कोई भी एलिमेंट है तो उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, इसको निकालने के लिए मोल को लिया जाता है, और मोल की संख्या क्या होती है कि कार्बन 12 जो आइसोटोप है उसके 12 ग्राम में जितने भी कंपोनेंट्स अवेलेबल होंगे उनको ही क्या कहा जाएगा, 1 मोल कहा जाएगा, और 1 मोल को ही क्या कहा जाता है, जो है एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है, और 1 मोल बराबर होता है 6.023 10^23 कॉन्स्टिट्यूएंट क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स हो जाएगा। इसका मतलब अगर 1 मोल, अगर हम क्वांटिटी कितनी लें, 1 मोल, तो 1 मोल क्वांटिटी होने पर उस एलिमेंट में 6.023 10^23 इतने क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। मतलब इतने पार्टिकल से 1 मोल जो है एलिमेंट है उसका निर्माण हुआ होगा। तो डेफिनेशन आप बहुत अच्छे से याद रख लें, 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 12 ग्राम्स ऑफ अ कार्बन 12 क्या हो जाएगा, आइसोटोप हो जाएगा। और अगर हम देखें तो जो कार्बन 12 है, राइट, कार्बन 12 के 12 ग्राम में, कार्बन 12 के 12 ग्राम में जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, 6.023 10^23, इसको ही क्या कहा जाता है, एवोगैड्रो नंबर कहा जाता है। तो 3 मार्कर में यदि एवोगैड्रो नंबर पूछा जाए, राइट, एवोगैड्रो नंबर पूछा जाए या फिर 1 मोल की संख्या पूछी जाए तो उसका उत्तर एक ही होगा, एवोगैड्रो नंबर और 1 मोल इज इक्वल्स टू, राइट, 6.023 10^23 कॉन्स्टिट्यूएंट जो पार्टिकल्स हैं यही क्या होता है, 1 मोल होता है, राइट। अब यहां पर समझते हैं मोलर मास क्या होता है। तो देखिए, 1 मोल में जितने पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स का जो मास होगा उसको क्या कहेंगे, मोलर मास कहेंगे। तो द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मोलर मास, राइट। तो इस तरीके से हमने यहां पर एटम को बेसिक तरीके से बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। ये टॉपिक जो है बहुत ही डेप्थ में हमको पढ़ना है, इसलिए फर्दर जो अगला लेक्चर होगा उसमें और हम इसकी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर, टिल देन थैंक यू।